सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम किसी यूट्यूबर को नहीं जिंदा रखूंगा।
रफल होते हुए भी किस गुंडे की हिम्मत है इस गुंडे को मारा है। रुक जा, इधर से आ मारा था लोकेश, एक गोली मां देखना, सात पीढ़ी तक तेरे लड़के बच्चे गंजे पैदा होंगे। ये यार इतना बड़ा गुंडा है कि पीछे से मारता है, आगे से नहीं मार रहा है, जब देखो तब पीछे से मारता है। इधर से आए, रोके गुंडे, रुक जा। यहाँ तो कोई नहीं है पीछे, अब पीछे घूम के देखो, पीछे पीछे कहीं हो। ये मेरे नीचे से पेड़ कहाँ से जा जामा हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आगे आगे नहीं आता, भूल गया हूँ, इतने नहीं भूल पा रहा था। अब कावा, जय ज्ञान गुण सागर, तुम तो ठहरे परदेसी, हम तो तुमसे प्यार है, तो आ जाना भूत को जल्दी भगा जाना। छेर दिया, लेकिन इसको पता नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि गारोली में गिरा हो, फिर भी दिखाई नहीं दे। कौन है भूत? आप सामने आ, जो अपने बाप का हो। मैं देखो कितना बड़ा गुंडा है, आया सामने, जो अपने बाप का हो। आगे तूने बागो जाला, नाक में तेरी जबान नहीं है का? लगता है इसके मुंह में गूजी लगी है, इसीलिए नहीं बोल रहा है। ए यार, मुंह नाक बंद करके कान से बोल। तू पहले बता, तू कौन है? तूने बाप का हो जाना? यार मुंह गुस्सा आया होती, मैं थोथर के धर जाऊं, मान जा नहीं तो कई मैं कौन भगभगा देवी हूं का? यहाँ तो कुछ न हुए संभाले, ऐसी ही अगर घींच न कर दे, ऐसी कर ही न कर दे तो बताए बोल। देखो, देख दिखाओ, देख तो लो। डू नॉट टच माई पखौरा। एक बात बता। फिर बोला, अमना धरना नहीं, मेरी आवाज अलग अलग निकलती है, बताओ तूने बाग का हो जा? भूख लगी थी मुझे। मैं
सरस हो। बता ये बात कहो जरा, अब मैं गुंडाई में आऊ। भूख लगी थी, मैंने तो सिर्फ फल खाए। अरे तो भूख लगी थी तो फल खा लेता, पेड़ का खाए और पेड़ फल ही खाना था, वो धर जले कर रखा था उसको खा लेता। खाने की वस्तु नहीं है वो। अरे तो पीने की वस्तु है। ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं हाँ मैं हाँ तुम ले, मुझको नहीं जानता। बात अरे यार लगता है बंदरा तगड़ा है। कौन हो तुम? तुम मुझको नहीं जानते? कौन हो? ले मुझको पूरा गांव नहीं जानता। पूरा गांव नहीं जानता? मोलुगाई तक मुझे नहीं पहचान दिया। अरे तो तुम हो कौन? अपने लुगाई का लौंडा। मतलब लुगाई का लौंडा? अच्छा लुगाई का लौंडा तुम? हाँ आने का तुम। अच्छा सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ, मैं फल खा रहा था, बीच में आकर के ला क्या मोर कान कहाँ है? और लॉग मत कहो खटर से। सुनो ये बताओ, मैं फल खा रहा था, तुमने व्यवधान क्यों मचाया? बताऊं? हवेली पे आ जाना, अभी बताओ। सीधे हवेली पे आ जाना। सुनो अभी बताओ। ना बताऊंगा, सीधे हवेली पे आ जाओ। बताओ हवेली पे, हवेली पे, हवेली पे आ जाना। मार दिया, मार दिया, मार दिया। हाँ मार दिया, मार दिया। हाँ ये बात दिल्ली तक जाएगी, ये बात दिल्ली तक जाएगी, ये बात दिल्ली तक जाएगी। अच्छा अगर अच्छा मार दिया तो दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। हाँ ये हाथ कतिया, ये हाथ नहीं हथौरा है, जिस पर आदमी के ऊपर पड़ जाता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अरे सुनो 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 भैया। ए रे बसंती, ए बसंती, चल नाच के दिखा रे, नाच नाच। डीजे डीजे नाच, जगतरा डीजे। तो उससे कहीं के मैं बसंती हूँ जानी, हम बहुत चीज हैं कि न ये गोलियों की बौछार से, न ये परिवर्तिकार से, ये बंदा डरता है तो मात्र लुगाई के मार से। रुक जाना, मैं अभी सरकार के पास जा रहा हूँ। सुन जाकर के सरकार को बता दो। क्या बताऊंगा? कि हनुमान आया है। कौन? हनीमून? हनीमून नहीं, हनुमान। हमारा नाम हनुमान है। अच्छा नाम है। जाओ जाकर के बताओ। जन्म तिथि बताओ। क्या जन्म तिथि प्रमाण पत्र है? क्या करना है? तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? कहे के लिए। तुम्हारा नाम आधार कार्ड कहाँ है? इसलिए। अरे तुम्हारा तुम्हारे नाम का सिम निकालूंगा। अच्छा। फिर खूब आदमी का परेशान करूंगा, खूब गाली दूंगा सालों को। अच्छा गाली दोगे? हाँ हाँ गाली दोगे। मैं सरकार सरकार के पास जा रहा हूँ। ए सुनो, ऐसे ना जाओगे। तो फिर कैसे जाओ? भजन आता है? हाँ आता है। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ले बोल कौन सा भजन सुनोगे? अरे जिसमें हरि का नाम हो। हरि हरि आओ। ए हरि, ए हरि, इसमें राम जी का नाम हो वो वाला भजन सुनाओ। अच्छा आता है? आता है। जो तुम्हारे बीबी सर से चू करते हैं वही वाला ना? हाँ वही वाला। आओ अभी सुनाता हूँ बीबी सर से चू वाला। नींद चुराने आया, चैन चुराने आया, नींद चुराने आया, चैन चुराने आया, हो मेरा पिया घर आया, पूरा मुझे मेरा। पहले बता ये भजन है? ये तू बंदर है कि गधा? ये बंदर, ये बताओ, ये बताओ ये भजन है? क्या भजन है? भजन है तो क्या भोजन है? पिया घर आया ये भजन है? तो मैं तो कहता हूँ राम जी का नाम आना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं,
श्री राम जय राम जय जय राम। कितने जने का नाम है? अरे एक लोगों का है। ऐसा है? राम जी का है। और श्री राम जैसे भूल गया, अगर जहाँ पर ये बंद हो गया वहाँ पर आऊंगा फिर बहुत मारूंगा। फिर मारोगे? फिर मारूंगा। अभी ना मारूंगा? अभी भी मारूंगा अगर नहीं गाएगा तो। अच्छा गाऊंगा तो ना मारूंगा? गा दूंगा तो मारूंगा? नहीं नहीं, पहले गाओगे तो मारूंगा? नहीं मारूंगा। नहीं मारूंगा? हाँ। गाऊंगा ना मारूंगा? गाऊंगा तो मारूंगा। गाओ जाओ जल्दी गाओ। रुगर साफ 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 मारा तो रोना ना आएगा का? रोने से साफ साफ हंस के। हाँ गाओ हीरा भूरा हीरा अच्छे से। अब तुम कुदकुदा रहे हो तो हंसी आ रही है तो लो ठीक है। दोस्त कहीं के चलो सुनाओ जल्दी से सुनाओ। ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम। गया आ जाना मेरा घर में बहुत जरूरी काम था। मेरी सगी घरवाली की शादी थी। ये जो कहीं था ए बंदर घुस गया का टंकी के अंदर। घुस गया टंकी के अंदर ए बंदर। ले ले आया किसको? लौंडे को। किसका है? मुस्का है। अरे वाह। नहीं मुस्का नहीं है तो उसका क्या नाम है? हाँ रावण सरकार को हुआ है। अच्छा। हाँ इसका नाम पप्पू है। इसका नाम पप्पू, इसके छोटे भाई का नाम गप्पू। चलो देखते हैं। जा जा भाग जा नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। ब्रह्मास्त्र तहि साधा कपि मन कीन विचार जो न ब्रह्म शरमानवो महिमा मिटहि अपार। तहि देखा कपि मूर्छित भयभ नाग पासु
बांध सी लाया गया। चल बंदरा तेने मुई बहुत गोल गोल घुमा हुई है, तू बंदर मैं मदारी, अब मैं जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा है। हाँ मैं मदारी हूँ बेटा जमुड़े, और राम सजीवन जो है अपनी ससुरा रे कैसे जाओ कर रहे थे, ऐसे खुर्र खुर्र करके जाओ कर रहे थे का, खुर्र खुर्र करके जाओ कर रहे थे राम सजीवन ससुरा रे। अब तू नाच, मैं नचाऊंगा, चलो नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल तुझ पैसा मिलेगा, अच्छा कदर दान मेरे कहाँ मिलेगा, देखा है पहली बार बंदर के पूछे ना पार, देखा है पहली बार बंदर के पूछे ना पार। सरकार ले आया, ले आया, हाँ सरकार इसको बंधन मुक्त करो। हाँ बंधन मुक्त कर दूंगा तो सबसे पहले मुझको रगड़ेगा, नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, हाँ लियो। सम्मान सहित आसन प्रदान किया जाए, तो कौन कहा से बनरे आया, कैसे किया समुंदर पार, लंका अंदर कैसे आया, क्यों किया मेरे बाग को उजाड़, उजाड़ा बाग लेकिन तूने, उजाड़ा बाग लेकिन तूने मेरे पुत्रों को भी दिया मार, अब तू ही पता बन रे तेरे साथ क्या किया जाए अत्याचार, क्या किया जाए अत्याचार। सर्वप्रथम तो आप किसी चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आप साधारण ब्राह्मण नहीं है, उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने जितनी बातें पूछी, कहां से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, मेरा नाम हनुमान है, रामादल से आया हूं, आए हो या भेजे गए हो, आया हूं, आए हो, किसी ने भेजा नहीं तुम, लंका में किसी ने नहीं भेजा, लंका में नहीं भेजा, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि तुम स्वयं आए हो या किसी के द्वारा भेजा गया है। हेलो, कहते हैं कि व्यक्ति को अपने घर का देखना चाहिए, अच्छा दूसरे के घर का नहीं देखना चाहिए। तुम आए हो तो हम पूछ रहे हैं भाई, मुझे यहाँ पर मैं आया हूँ और मुझे किसी ने ये कहकर के नहीं भेजा कि तुम लंका जाओ, अच्छा ठीक है, आदेश मिला था कि माता जानकी जी का पता लगाओ, अब ये जरूरी नहीं था कि तुम लंका ही जाओ, चलो ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारे द्वारा हमारे बाग का विनाश का कारण क्या, तुमने हमारे बाग को उजाड़ा कैसे, उजाड़ा कैसे, वो जड़ गई, उजड़ गई भाई, तुम्हारे बाग के वृक्षों की इतनी जड़ें कमजोर हैं, अच्छा कि मैं बैठा वो टूट गए, तुम्हारे बैठने से टूट गए, बिल्कुल वाह, मतलब तुम बैठे और टूट गई, अपने आप टूट गई, बिल्कुल महाराज की मुँह से अपने आप बिगाड़ दियो। अच्छा एक बात बताओ,
समझ में नहीं आ रही, तुम कह रहे हो हम वृक्षों पर बैठ गए और टूट गए, तो जहां तुम रहते हो वहां तो अनेकों प्रकार के वन है, वहां तो एक वन न बचा होगा, सब टूट गए हो। हमारे यहाँ के वृक्षों की जड़ें मजबूत है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ के वृक्षों की जड़ें मजबूत है, तुम्हारे यहाँ के वृक्षों की जड़ें कमजोर है ना। सीधी सीधी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुमने हमारे पुत्रों को क्यों मारा? जिन्होंने मुझे मारा, पुत्रों को नहीं, सिर्फ एक पुत्र को मारा है, पुत्रों को नहीं। अच्छा, पुत्रों में तो बहुत हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, एक पुत्र आया तुम्हारा, अच्छे अच्छे कुमार। ठीक है भाई, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। भाई अगर झगड़ा हो रहा है, अगर कोई तुम्हें मारेगा तो तुम नहीं मारोगे? मारोगे, ये तो स्वाभाविक है। अब तुम्हारे मारने से अगर कोई मर जाए तो युद्ध है। अब तुम्हारा बेटा मेरे मारने से मर गया तो उसमें मैं क्या करूं? अच्छा, कहना क्या चाहते हो? ये आओ, इधर आओ, सही जगह आए हो, बहुत देर बाद, पहले आ जाना चाहिए। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी एक विनती करता हूँ। कौन सी विनती? और साधारण नहीं, हाथ जोड़कर के विनती का। विनती विनती भी करते हो और कह रहे हो अपनी जगह आए, हमारी जगह पर बैठ कर हमसे उछल रहे हो। देखो कौन सी विनती है, जरा सुनाओ हम भी सुने। मैं कहाँ उछल रहा हूँ? नहीं, विनती कौन सी कर रहे हो ये बताओ। देखिए, आप सर्व सम्माननीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, बिल्कुल है, उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं। मैं यहाँ पर दूत बन के आया हूँ। किसका दूत? राम जी का दूत बन के आया हूँ। अब आप यहाँ के राजा हैं, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, तो आपसे राजा से दूत विनती तो करेगा। चल राम के दूत हो। बिल्कुल, वह राम जिसको ये भान नहीं कि वह क्या है, कैसा है, क्योंकि विपरीत बुद्धि है उसकी, जब उसको बुद्धि ही नहीं तो तुम्हें दूत कैसे बनाया? ये समझ में नहीं आया। ये समझ में जरूर आया कि जो बुद्धि से हीन हो उसका दूत भी बुद्धि से हीन होता। ये बताओ, तुम एक प्रमाण दे दो मुझे कि राम जी बुद्धि से हीन है। क्यों? सुनो, मैं प्रमाण ही दूंगा। अरे सुनो पहले एक क्षण, मैं सोचता हूँ कहे के लिए मैं तुमको निकल रहा हूँ, छोड़ कर आ रहा, और तुम वही बार बार कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। अगर वही करना है तो कहे के लिए अभी होता है, एक प्रमाण दो कि राम जी मूर्ख कहाँ से है, राम जी में बुद्धि नहीं है, एक प्रमाण। सुनो, तुम्हारे राम के द्वारा जब मृग का खेत किया गया तो क्या राम की बुद्धि कहाँ थी? उसने अभी तक क्या सोने का मृग कभी भूतों ना भवते कभी देखा गया ना सुना गया? और जब वह मृग स्वर्ण का आया तो क्या वह मृग स्वर्ण का था? ये सोचना था उसको कि उसने सोचा है, देखा है, कभी भूतकाल में लिखा है या कहीं देखा गया? जब उसने ये भी नहीं सोचा तो क्या बुद्धि से ही नहीं हुआ? मुझे लगता है चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता लोग तुम्हें कहते हैं, गलत कहते हैं। उसका एक कारण है। अरे एक कारण तुम बता दो कि क्या सोने का मृग आज तक देखा गया वहां के अलावा? रुक जाओ, अगर देखा नहीं गया तो वो बुद्धि कहाँ गई? अरे तुम रुकोगे तब तो मैं बताऊंगा कि जबरदस्ती, एक तो चिल्लाते बहुत हो, जब संवाद किया जाता है तो चिल्लाया नहीं जाता, प्रश्न उत्तर जब होते हैं तो वहां पर चिल्लाया नहीं जाता, बड़े ध्यान से सुना जाता है। ठीक है, उनका सोने का मृग नहीं होता। ठीक है, नहीं होता सोने का मृग, लेकिन एक पति का पत्नी के प्रति धर्म क्या होता है? पहले यहां पर विचार कर, एक पति का जो सात वचन मंडप के नीचे लिए जाते हैं, सात वचन जब लिए जाते हैं, पति को परमेश्वर क्यों कहते हैं?
पति का धर्म होता है कि अपनी पत्नी को कभी वो दुखी ना रखे, अपनी पत्नी की हर बात को पूरा करे जिससे उसकी पत्नी प्रसन्न हो, ये पति का धर्म है। जानकी जी ने कहा मृग की छाला चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है जा रहा हूं, क्योंकि उससे जानकी को खुशी मिलती थी। ठीक है, एक पति का ये भी कर्तव्य होता है। रुको रुको, एक 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 क्षण रुको। तुम एक तो अर्धाली, एक तो चौपाई, एक तो दोहा, एक तो सोठा छंद, कहीं पढ़ के ये बताओ कि राम जी मूर्ख हैं? नहीं, ये पहले ये बताओ कि क्या सोने का मृग देखा गया अब तक उस समय के अलावा? और जब नहीं देखा गया तो अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था। अगर वहां नहीं समझाया तो क्या है राम? क्यों? क्योंकि जब उसके पिता ने अपनी पत्नी की मान ली तो बन बन भटकना पड़ा राम को, और वहां अपनी पत्नी की मानी तो ये दशा हो। अरे राम राम, विनती करो जोर कर रावण, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि माता जानकी को वापस कर दो जिसमें तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा रावण तुम मारे जाओगे। मुझे मारने वाला अब तक ये विजय पताका मेरी है, ना धरा में ना आकाश में, क्योंकि काल पर विजय मेरी है। तू मुख चलाता अधिक बाण रे, इसलिए मृत्यु दंड मैं तुझको देता हूं। राजसेवा इसे इसी समय मृत्यु दंड दिया जाए। अब बाद अपने महाराज को ये बता देना कि माया के द्वारा सोने का मृग भी बना दिया जाता है, माया के द्वारा सब कुछ बना दिया जाता है, ये सिखा देना पढ़ा देना। महाराज चच्चू ने कहा है नीत विरोध न मारिए दूता। अच्छा, नीत के विरोध दूत को न मारो तो क्या करना चाहिए? इसको कुछ अन्न दान दे दिया। पूंछ बहुत हला रहा है, इसकी पूंछ पर आग लगा दो, क्योंकि जब ये जल की पूंछ को लेकर अपने प्रभु के पास जाएगा तो उसका प्रभु भी मेरी प्रभुता को मान जाएगा। जाओ इसकी पूछ में आग लगा दो। जो आज्ञा महाराज। रहा नगर बसन घटी तेला बाढ़ी पूछ कीन कपी खेला बाजही ढोल दे ही सब तारी नगर फेरी पुनी पूछ प्रजारी। हेलो बंदर, आहो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुरा लिया तूने का खीर मुने आवटा तो का करो। अबे देखना ए ए बंदर, ए डाला बीच में, ए डाला लगा दी ने वहां करा की जला है यहां हवा चला दी। अरे जलाई दियो रे हनुमान जी ने लंका जलाई दियो रे हनुमान जी ने लंका।
अभी सभी लोग बैठे रहेंगे, इसके बाद थोड़ा नाच गाना होगा, इसके बाद मैं जानता रावण बाद फिर रात तिलक फिर नाच गाना थोड़ा होगा, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, इसी तरह बैठे रहे। अपन के पुत्र अरु बजनी के लाला।